अगर आप शुद्ध करके पानी पी रहे हैं तो मैं आपको जो चाहे उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पे एक सेंटेंस लिख के देता हूं। 1000 रुपए का स्टाम्प पेपर हो या 10,000 का या 1,00,000 का, अगर जो भी जिंदगी में सिप करके पानी पिएगा, मेरी गारंटी है, मेरी नहीं आयुर्वेद की गारंटी है कि जिंदगी में कभी भी उसको मोटापा नहीं आ सकता, ओबेसिटी कभी भी वजन नहीं बढ़ेगा, जितना होना चाहिए जिंदगी भर उतना ही वजन रहेगा अगर पानी सिप करके पी रहे हैं तो। आप उसका उल्टा प्रश्न पूछ सकते हैं, जो वजन बढ़ गया है तो बिल्कुल आश्वस्त रहिए, आप सिप करके पानी पी लीजिए, 6 से 7 महीने में 10 किलो वजन आपका घट जाएगा अगर बढ़ गया है तो। फिर आप बोलेंगे जो उससे ज्यादा घट गया तो नहीं घटेगा, उसकी चिंता मत करिए, जितना बढ़ा हुआ है उतना ही घटेगा, घटने के बाद स्थिर हो जाएगा, सिप करके पानी पीने की आदत डाल दे। दूसरा फायदा क्या होगा, अभी कल से ही आप देखेंगे अगर सिप करके पानी पीने की आदत आपने डाली तो ये जो मुर्गे का दर्द है, घुटने का दर्द, 7 दिन लगातार आप सिप करके पानी पी लीजिए, ये दर्द 25% आपका कम हो जाए। और ये जो एड़ी का दर्द है, एंकल जॉइंट्स का पेन, ये तो 7 दिन में 100% खत्म हो जाए। और ये जो जॉइंट्स में पेन आपको होता है ये 25 से 30% 7 दिन में कम हो जाए। और सवेरे सवेरे सोकर उठते ही जिनको सिर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस होती है, ये 7 दिन में तीनों ही गायब हो जाए, चक्कर आना, सिर दर्द होना, कमजोरी महसूस। पानी पीना है, सिप करके पीना है, थोड़ा 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 थोड़ा, बूंद बूंद। कोई भी गांठ शरीर के किसी हिस्से में हो गई हो ना तो सबसे अच्छी दवा है चूने का पानी। गांठ जो बनती है ना कैल्शियम की कमी से बनती है, और चूने में भरपूर कैल्शियम सबसे सस्ता कैल्शियम का स्रोत है। माताओं बहनों में वक्षस्थल पर जितनी भी गांठें बनती है, ब्रेस्ट व ट्यूमर, वो सब आसानी से डिसॉल्व हो। चूने का पानी है, 2-3 चम्मच ले लो, दही में मिला के खाओ सवेरे सवेरे खाली पेट, बहुत आसान। नहीं तो चूना ही खाओ। अब चूना खाने का तरीका क्या है, पान में चूना लगा के खा लो, दही में चूना मिला के खा लो, पानी में चूना मिला के पी लो, ये सब तरीके हैं। लेकिन करना है ये सब सवेरे सवेरे। आयुर्वेद की सभी दवाएं खाली पेट सबसे ज्यादा काम करती हैं। अब तीसरी बीमारी बताता हूँ, डायबिटीज हो गई, बहुत हो रहा है आजकल गांव-गांव। सबसे अच्छी दवा है मेथी का दाना। तो जिनको भी डायबिटीज है उनको बोलो कि 2 चम्मच मेथी का दाना रात को पानी में डालें, सवेरे उठ के पानी को घूंट घूंट से पिएं और मेथी चबा के खाएं। बहुत सरल इलाज है, 3 महीने में आप देखोगे शुगर नॉर्मल रहे। और जो और ज्यादा शुगर है मेथी के दाने से नहीं मिट रही है तो एक छोटा काम करो कि मेथी का दाना खाया उसके 1.5-2 घंटे के बाद करेले का थोड़ा रस पी लो, 1/2 कप, बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और अगर इन दोनों से भी कंट्रोल नहीं हो रही है शुगर, तो तीसरा और आखिरी उपाय करो, जामुन की गुठली का पाउडर बना लो, वो चम्मच भर के गर्म पानी से फंकी ले लो खाने के 1/2 घंटे पहले या 1/2 घंटे बाद। ये 3 एक साथ करो तो गारंटी से शुगर ठीक। बहुत आसान इलाज है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई खर्चा भी नहीं है, ये सब चीजें घर में मौजूद है। ऐसे ही अगर आपको जॉइंट्स पेन बहुत होता है, घुटने में दर्द है, एड़ी में दर्द है, कमर में, तो भी मेथी दाना अद्भुत काम करता है। एक मेथी दाने को मैंने 48 बीमारियों में उपयोग करके देखा है, बराबर काम करता है। कोई माँ अगर गर्भावस्था में है तो बच्चा उत्पन्न होने के बाद उसका गर्भ अपने स्थान से खिसक जाता है, जिसको यूट्रस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, गर्भाशय का अपने स्थान से खिसक जाता। अब डॉक्टर के चक्कर में अगर आप फंसे तो वो तो क्या बोलता है कि ये तो अब खिसक गया अपने स्थान से, तो इसको काट के निकालो। अगर काट के ही निकालना था तो भगवान ने दिया क्यों? और जिस माँ का गर्भाशय कट गया उसकी जिंदगी कट जाएगी, पूरी जिंदगी उसको पीठ दर्द होगा, पांव में दर्द होगा, घुटने दुखते रहेंगे और इतना दर्द होगा किसी दवा से रुकेगा नहीं। जो भी माता या बहन का गर्भाशय थोड़ा भी अपने स्थान से हट गया है उसकी सबसे अच्छी दवा है यही मेथी का दाना। इसके लड्डू बनाओ गुड़ और घी के साथ और वो माँ को रोज लड्डू खिलाओ सवेरे शाम, आप देखना 20-25 दिन में अपने आप गर्भाशय अपने स्थान पे आ जाए। आपको नींद नहीं आती तो आपका ये जो अंगूठा है ना, अंगूठा, इसके नाखून के दोनों साइड में मेथी दाने बांध के पट्टी लगा लो, बहुत गहरी नींद में सो जाओ। किसी बच्चे को कान में बहुत दर्द हो रहा है, 2-3 मेथी दाने डाल दो, 5 मिनट ऐसे रखो तो दर्द बंद हो जाएगा, ऐसे कर दो मेथी दाना निकल जाए। आपको मेंसिस से जुड़ी हुई जितनी भी तकलीफें होती हैं आप मेथी दाना लेना शुरू कर दीजिए, आप भूल जाएंगे कि वो कोई तकलीफ भी थी। समय से मेंसिस नहीं होता, बहुत देर से होता है, दर्द बहुत होता है, डिस्चार्ज बहुत होता है, ब्लड बहुत जाता है या वाइट डिस्चार्ज बहुत होता है, ये सभी बीमारियों में अद्भुत काम करता है।
और ऐसी ही एक और दवा है, उसको भी कभी मत भूलिए, हमेशा आप याद रखिए, शतावरी। महिलाओं की लगभग जितनी समस्याएं हैं 23-24 हैं, सब एक ही दवा से ठीक हो सकती है, शतावरी। और शतावरी का ही बहुत सारी दवा कंपनियां उपयोग कर करके पता नहीं क्या क्या बना रही हैं, लेकिन अभी हाल में कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट किए तो पता चला कि शतावरी दवा से सबके चश्मे उतर जाते हैं। जिसको भी चश्मा उतारना हो, स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो या बड़ा, सबको शतावरी खिलाओ, सबके चश्मे उतर जाते हैं। लेने का तरीका बहुत सरल है, शतावरी का चूर्ण ले लीजिए, वो एक तरीका है। उसमें थोड़ा गुड़ मिला दीजिए, नहीं तो बूरा मिला लीजिए, बूरा सबसे अच्छा होता है। शतावरी में बूरे का कॉम्बिनेशन बहुत है। तो शतावरी का पाउडर फॉर्म रखिए एक डिब्बे में, थोड़ा बूरा मिला के खा लीजिए पीछे से गर्म पानी के लिए, नहीं तो शतावरी को पानी में डालिए, गर्म पानी में डालिए और घोल के पानी पी जाए, ये दूसरा तरीका। ये दो सबसे आसान तरीके। नहीं तो खांड आती है ना, खांड, चीनी छोड़ के कुछ भी मिला लो आप, चीनी और शतावरी का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बैठता है। कोई भी मीठी चीज आप उसमें मिला सकते हैं, शहद है, खांड है, बूरा है, और या वो आता है ना गुड़ को पीस के एक पाउडर बना देते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। है अद्भुत, शतावरी हर जगह मिलती है, आयुर्वेद की सब दुकानों पर। चश्मा उतारने में काम आएगा, गायनिक प्रॉब्लम ठीक कर देगा, विटामिन ए से भरपूर है, जिनको भी विटामिन ए की कमी है शरीर में किसी को भी दे दो, लेकिन इसके वृक्ष की जड़ ही काम में आती है। ये जो कुछ भी है ना, शतावरी की जड़ का ही चूर्ण है। और ऐसे ये बहुत अच्छी दवा अपने घर में है, दालचीनी। मेथी दाने के बाद दूसरी सबसे अच्छी दवा जो मुझे नजर में आई है वो दालचीनी। एक दालचीनी से लगभग 43 रोग ठीक हो। हार्ट के पेशेंट को दे दो इसका काढ़ा बना के, बहुत अच्छा काम है। ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है, दालचीनी का काढ़ा पीना शुरू करो। ब्लड प्रेशर बहुत लो है तो दालचीनी का काढ़ा पियो, थोड़ा गुड़ डाल के पियो। अगर आपको पेट खराब रहते हैं, माने ज्यादा दिन पेट खराब रहता है, दालचीनी लेना शुरू करो। पेट के साथ ये संधिवात रहता है तो दालचीनी ले लो, कब्जियत रहती है तो, मोटापा बढ़ गया है तो दालचीनी का उपयोग कर लो, ये पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल किया जाए। ऐसे ही अपने घर में एक बहुत अच्छी दवा है धनिया। धनिया सूखा वाला और ताजा दोनों काम आता है। अगर आपको एनीमिया है, माने खून की कमी है, तो हरा धनिया पीस पीस के चटनी बना बना के खूब खाओ, उसका रस पी। और सूखा धनिया सबसे अच्छा काम आता है थायराइडिज्म। अगर हाइपर थायराइडिज्म है, थायराइड बढ़ा हुआ है, या हाइपो थायराइडिज्म है, घटा हुआ है, दोनों ही स्थिति में सूखे धनिये को पानी में डालो, पानी को उबालो और सवेरे सवेरे घूट घूट पियो, तो लगभग 20-25 दिन में सब तरह का थायराइड खत्म कर देता सूखा धनिया। ऐसे ही आपके घर में एक बहुत अच्छी दवा है काला नमक और सेंधा नमक। आपको तो मेरी विनती है कि आप घर का नमक बदल दो, पहले तो ये पिसा हुआ तो लाना बंद करो। आप या तो सेंधा नमक लाओ, नहीं तो काला, और वो डेले वाला लाओ। और सब्जी में नमक सब्जी बनाते समय डालो, सब्जी बनने के बाद नमक कभी मत डालो, क्योंकि सब्जी बनने के बाद नमक डाला तो वो जहर जैसा काम करता है। दाल बनने के बाद नमक डाला तो जहर जैसा काम करता है। और एक परंपरा बंद कर दो ऊपर से नमक डाल के खाने। अगर कोई दिन आपको ऐसा लगता है कि नमक कम है तो कम नमक का ही खा लो, ये ऊपर से डाल के खतरनाक। इसमें क्या होता है, दो चीजें होती है, एक तो जिसने बनाया है खाना उसका अपमान कर रहे हैं आप, उसको ये सिग्नल दे रहे हैं कि देखो तुमने नमक बराबर नहीं डाला है, भले आप बोले या ना बोले उसको ये हर्ट तो करने ही वाला है, तो उसका अपमान कर रहे हैं और अपने शरीर का भी नाश कर। तो ऊपर से नमक डाल के तो खाना बिल्कुल बंद कर। नमक जितना डालना है सब्जी बनते समय, माने उबलना चाहिए, नमक डलने के बाद उसमें उबाल आना चाहिए। ऐसे ये बुरक के खाना ये तो बहुत खराब, जैसे हम सलाद पे कई बार नमक बुरक के खाते हैं, ये बंद कर दो। अगर कोई मजबूरी ही है, बुरक नहीं है, तो वो काला नमक थोड़ा बुरक लो और ये सफेद वाला तो बिल्कुल। तो इन चीजों से आप बहुत इलाज कर सकते हैं, नमक बदल दो आपकी बहुत बीमारी चली जाए। और एक दो छोटी बातें बताता हूँ कि आपके घर में कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनको दुनिया भर के लोगों ने आज मान्यता दे दी, उसमें से एक है तुलसी। श्याम तुलसी घर में है जिसके पत्ते गहरे हरे होते हैं, तो आपके घर में सब बीमारियों का इलाज है। इस तुलसी के पत्ते का काढ़ा बना के जो भी पी लेगा उसको कभी चिकनगुनिया हो नहीं सकता, ये गारंटी मैं देता हूं। और चिकनगुनिया ठीक होने के बाद जो सब शिकायतें हो रही है ना, अभी दर्द नहीं जा रहा है, कमजोरी नहीं जा रही है, एक ही दिन तुलसी का काढ़ा पी लो तो सब चला जाए। तुलसी जो है ना एंटीपायरेटिक है, माने बुखार से होने वाली तकलीफों की सबसे अच्छी दवा है तुलसी। कभी भी बुखार आ जाए तुलसी का काढ़ा कभी भी दो, भूलो ही मत। ज्यादा तेज बुखार हो तो तुलसी के काढ़े में अदरक का रस मिलाओ, नहीं तो सौंठ का पाउडर मिलाओ। और ज्यादा तेज बुखार है तो इसमें पीपर मिलाओ, छोटी पीपर मिलाओ। और ज्यादा तेज बुखार है तो नीम की गिलोय मिला लो या नीम के पेड़ की छाल का पाउडर मिला लो। कितना भी तेज बुखार खत्म होता है, लेकिन मेन है इसका तुलसी, बेस है तुलसी। आप में से कई लोग आश्चर्य करेंगे, मैंने स्किन डिसीज तुलसी से ठीक की। त्वचा के रोग, सोरायसिस, इचियोसिस, एक्जिमा, 20-20 साल पुरानी बीमारियां त्वचा की तुलसी के रस से ठीक होती। और ऐसे तुलसी के जैसी ही एक बहुत अच्छी चीज है पुदीना, और इन दोनों से बराबर ही अच्छी एक चीज है एलोवेरा। ग्वार पाठा जरूर रखो अपने घर में, ग्वार पाठे का रस अद्भुत काम कर, त्वचा की बीमारियों में काम करता है, पेट साफ करने में काम आता है। कान में कितना भयंकर दर्द हो, ग्वार पाठे का रस थोड़ा गर्म करके एक ही बूंद टपकाओ, 3 सेकंड में दर्द खत्म कर दो।
इन 3 सेकंड्स। इंजेक्शन से भी तेज गति से काम करते। किसी स्त्री और पुरुष को नपुंसकता की शिकायत हो, ग्वारपाठा बिल्कुल ठीक कर देता, कंप्लीट क्योर कर। शरीर को ताकत बढ़ानी हो, बहुत कमजोरी लग रही हो तो ग्वारपाठा अद्भुत काम करता है। बाल बहुत झड़ते हो, गुच्छे के मनुष्य गुच्छे निकलते हो, ग्वारपाठे का रस बाल में लगाओ, जैसे तेल लगाते हैं 1 घंटे के बाद धो लो तो बाल झड़ना बंद करा देता है। बाल ज्यादा काले रखने हैं तो ग्वारपाठा सप्ताह में 1 दिन लगाते ही रहो रस के रूप में। आंखों की रोशनी बढ़ानी हो तो ग्वारपाठे को इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने के रूप में ले सकते हैं। बच्चों को फोड़े फुंसियां बहुत होती हैं, 1-1 चम्मच ग्वारपाठे का रस 3-4 दिन पिला दो तो सब फोड़े फुंसियां होना बंद। गर्मियों में घमौरियां बहुत हो जाती हैं तो ग्वारपाठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मनुष्यों में पुरुषों को एक बहुत खराब बीमारी होती है, उसको बार्बर सिचिंग कहते हैं। दाढ़ी बनाओ ना, उसके बाद लाल लाल फुंसियां हो जाती हैं। उनको बोलो कि ग्वारपाठे का रस लगा के फिर शेविंग करें तो कभी ये तकलीफ नहीं आती। एक दिन मैंने ये सब गिना तो 108 दवाएं हमारे रसोई में हैं, 108, और इनसे हर बीमारी ठीक हो सकती है। कहीं घर के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। और मैं तो सबको चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ कि आप बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो। बीमारी खतरनाक नहीं है, डॉक्टर खतरनाक। एक बीमारी से दूसरे में फंसाएंगे, दूसरे से आपको तीसरे में ले जाएंगे, ठीक ही नहीं होने देंगे। और आजकल डॉक्टर जो दवाएं आपको खिलाते हैं ना, वो दवा अपनी माँ बहन को कभी नहीं खिला सकते, ऐसी दवाएं आपको खिलाते हैं। जिन दवाओं पर कोई क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं, जिन दवाओं को किसी ने अप्रूव भी नहीं किया है, उनको धड़ल्ले से प्रेस्क्राइब करते हैं क्योंकि कमीशन मिलता है। और ये कमीशन खोरी इतना बढ़ गया है कि अब अच्छा डॉक्टर चिराग लेके घूमने निकलो तो कोई एक मिले, मुश्किल से एक मिले। इसलिए आप इनसे अगर बचे रहें तो आपकी जिंदगी बहुत सुरक्षित रहने वाली है।